سيد بلد آدم خير الأنام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم ये अर्ज़ मुकद्दस है मदीने की ज़मीन है ये अर्ज़ मुकद्दस है मदीने की ज़मीन है जन्नत भी यहीं वारिस जन्नत भी यहीं है ये अर्ज़ मुकद्दस है मदीने की ज़मीन है जन्नत भी यहीं वारिस जन्नत भी यहीं है दुनिया का अकीदा है और अपना भी यकीन है जो शय है मदीने में कहीं और नहीं है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हज के ऊपर हज के मौजू पर गुज़िश्ता हफ्ते आपने मुख्तसर सी मैंने रोशनी डाली थी, आपके सामने बातें आ गई। हाजी हज करने जाता है तो मदीनतुल मुनव्वरा की भी ज़ियारत करता है। ये मदीनतुल मुनव्वरा बहुत ही बाबरकत और पाक शहर है। आप जानते हैं कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 53 साल मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारे, फिर अल्लाह के हुक्म से आपने मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत की। उसके बाद 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा में आपका क़याम रहा। जब मक्कतुल मुकर्रमा फतह होता है 8 हिजरी में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा के साथ मक्कतुल मुकर्रमा में फातिहाना अंदाज में दाखिल होते हैं, तवाजु इनकसारी के साथ दाखिल होते हैं और मक्कतुल मुकर्रमा फतह हो जाता है, तो लोगों ने आपसे दरख्वास्तें किया, रसूल अल्लाह ये आपका शहर है, ये मक्का आपका शहर है, आप यहीं क़याम करिए, आप यहीं पर रहिए। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैंने अहले मदीना से वादा किया है, इसलिए मैं मक्कतुल मुकर्रमा ही में क़याम करूँगा। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मदीनतुल मुनव्वरा चले गए और क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये चमकता हुआ गुंबद-ए-खज़रा जो मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद है ये क़यामत तक वहीं रहेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से ही उठेंगे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुकद्दस और पाकीदा शहर जिसे हम मदीना कहते हैं, हदीस पाक में अल्लाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, इन्नल्लाह तआला सम्मल मदीनता ताबता, अल्लाह ताला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शहर का नाम ताबता रखा है। इसे आप ताबता भी कह सकते हैं और तैबा भी कह सकते हैं और तैयबा भी कह सकते हैं, यानी उलमा ने लिखा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुकद्दस और बाबरकत शहर के तकरीबन 1000 नाम हैं।
बाज उलमा ने 94-99 नाम शुमार कराए हैं। ये सब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुकद्दस शहर के नाम हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ताबा के नाम से याद किया है, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शहर को मदीना का लकब दिया है। ये मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा है। ये मदीना, मदीना के माने शहर के आते हैं, लेकिन जब मदीना बोला जाएगा तो ये मदीनतुर रसूल, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक शहर मदीनतुल मुनव्वरा, जो सऊदी मक्कतुल मुकर्रमा से तकरीबन 431 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। ये मदीनतुल मुनव्वरा जमाने जाहिलियत में इसका नाम यशरब था, इसलिए रिवायत में है कि अब मदीना कोई यशरब नहीं कह सकते, मना किया गया है कि यशरब कहा जाए। ये मदीना का नाम जमाने जाहिलियत में यशरब था। यशरब के माने आते हैं फसाद के, खराबी के। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से अपने सहाबा के साथ हिजरत कर गए तो बाद हजरात सहाबा को बुखार लगने लगे। मदीनतुल मुनव्वरा की आबो हवा थोड़ा वैसी थी कि आदमी बीमार पड़ जाता था, इसलिए रिवायत में है कि एक सहाबी ने, एक आराबी ने, देहाती किस्म के आदमी ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरख्वास्त किया, रसूलुल्लाह मुझे बुखार है, मुझे मदीना से बाहर जाने की इजाज़त दीजिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी। दूसरी बार उसने दरख्वास्त की, आपने इजाज़त नहीं दी। तीसरी बार उसने दरख्वास्त की, आपने इजाज़त नहीं दी। फिर वो खुद ही चला गया तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मदीना शहर है, ये मदीनतुर रसूल है, ये वो पाकीज़ा और बाबरकत शहर है जो अपने अंदर से मैल व कुचैल को इस तरह बाहर निकाल कर फेंक देता है जिस तरह भट्टी लोहे पर लगे हुए मैल और कुचैल को बाहर निकाल कर फेंक देती है। चांदी, चांदी पे जो मैल और कुचैल लगा हुआ होता है ये भट्टी बाहर निकाल कर फेंक देती है। ये मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर बदमाशों का और बेकार लोगों का, गंदे किस्म के लोगों की जाए पनाह नहीं है। ये वहाँ पर वही लोग रह सकते हैं जो पाक होंगे। ये मदीनतुल, अब सहाबे किराम को बुखार चढ़, यहाँ तक कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बुखार चढ़ गया, और वहाँ की आबो हवा जहरीली थी। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा की ज़मीन को, मदीनतुल मुनव्वरा की बस्ती को हर बीमारी से पाक साफ कर दीजिए। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और उस मदीना की बस्ती से बीमारियों को निकाल कर फेंक दिया गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बाबरकत बस्ती है। अब हाजी हज करने जाता है तो मदीना भी ज़ियारत करता है, हज करने जाता है यहाँ तकबीर कहता है आदमी, अल्लाहु अकबर लब्बैक का नारा लगाता है, लेकिन जब आज हाजी मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हो तो फिर आदमी दरुशरीफ का तोहफा और हदिया लेकर के जाए, कसरत से रास्ते भर जो है दरुशरीफ का नजराना पेश करे। हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी दूर से दरुशरीफ पढ़ता है, अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम का नजराना पेश करता है, वो भी स्पेशल लोकल सलातो सलाम नहीं, सलातो सलाम की भी दो किस्म है, एक लोकल एक ओरिजिनल। अब मार्केट में लोकल चल रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। स्पेशल सलातो सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पेश करता है तो फरिश्ते आका की खिदमत में पहुंचा देते हैं, लेकिन जब रौज़तुर रसूल पर हाजिर होकर आदमी सलातो सलाम का नजराना पेश करता है तो फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही जवाब देते हैं। इसलिए हम सब का अकीदा है क्या,
कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं। तो जब वहाँ आदमी सलातुस्सलाम पढ़ेगा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब खुद ही देंगे। ये बड़ी खुशकिस्मती है जिसको मदीना में रहने की जगह मिल जाए। मदीनतुल मुनव्वरा ही में जन्नतुल बाकी है, मदीनतुल मुनव्वरा ही की वो बस्ती है जहाँ पर उहद पहाड़ है, मदीनतुल मुनव्वरा की वो बस्ती है जन्नतुल बाकी जहाँ पर तकरीबन 10,000 सहाबे किराम मदफून है। हमारे उलमाए देवबंद के तकरीबन मेरी जहाँ तक जानकारी है, मैंने तहकीक जो किया है, 50 के करीब उलमाए देवबंद जन्नतुल बकी में मदफून है। फजाले आमाल कौन नहीं जानता? फजाले आमाल हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह बड़े पाए के मुहद्दिस और आलिम थे, आज भी हजरत की किताबें अरब के उलमा पढ़ते हैं। हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह कि कब्र मुबारक भी जन्नतुल बकी में है। ये उलमाए देवबंद को अल्लाह ने ये शान और ये एजाज बख्शा है, ये जन्नतुल बकी में और मदीनतुल मुनव्वरा में जिसे रहने की जगह मिल जाए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको मदीना में जन्नतुल बकी में रहने की जगह मिल गई और वहाँ दफन होने का मौका मिल गया, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों की शफाअत करेंगे, उन लोगों की शफाअत करेंगे। कितनी खुशकिस्मती की अलामत है। इसलिए मदीनतुल मुनव्वरा का अदब और एहतराम है कि जब वहाँ आदमी जाए। हमारे अकाबरीन उलमाए देवबंद मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर कदम रखते थे और गुंबद खजरा नज़र आता था तो अपने पाँव मुबारक से जूते निकाल कर बगल में दबा लिया करते थे कि कहीं मेरे आका के मेरे जूते वहाँ न पड़ जाएं जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हों। हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मदीनतुल मुनव्वरा जब आते थे गुंबद खजरा रौज़े अक़दस की ज़ियारत के लिए तो 3 दिन तक क़याम करते थे और 3 दिन रोज़ा रखते थे, पाखाना पेशाब नहीं करते थे कि क्या पता कि जहाँ मैं चला जाऊँ इस्तिंजा वगैरह करने के लिए खुदा न खास्ता वहाँ पर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हों। इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 17 साल की उम्र में मुहद्दिस बन गए, मस्जिद नबी में दर्श दे रहे हैं, लेकिन आपका ये आलम था, मदीना की इतना अदब और एहतराम आपके यहाँ था कि इस्तिंजा वगैरह करने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा की बस्ती से बाहर निकल कर जाते थे। कि ये तौहीन है कि जहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक पड़े हों इमाम मालिक वहाँ कैसे इस्तिंजा और पाखाना पेशाब करेगा। ये हमारे अकाबरीन का वो था। इसलिए हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब बैतुल मुकद्दस फतह हो गया तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु शाम में मुंतकिल हो गए, वहीं रहने लगे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ख्वाब में आए और कहने लगे बिलाल ये कैसा जुल्म कर रहे हो, क्या बात है मदीनतुल मुनव्वरा नहीं आ रहे हो। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो रख्त सफ़र बांध लिया और मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसनैन करीमैन ने दरख्वास्त की वो अजान आप दे दीजिए जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयत मुबारक में आप दिया करते थे। आपने अजान देनी शुरू की, मदीनतुल मुनव्वरा की औरतें और बच्चे ज़ारो कतार रोने लगे। ये वो मदीनतुल मुनव्वरा की बस्ती है कि जहाँ पर मस्जिद नबी है और गुंबद खजरा है, रौज़े अक़दस है। आप जानते हैं इसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है और उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है और उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु है।
तीन कब्र मुबारक है, एक कब्र की जगह खाली है। वो कब्र होगी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। जब दज्जाल आएगा, दज्जाल जब आएगा और दज्जाल को कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ लाएंगे, आपकी शादी भी होगी, इस दुनिया में कयाम करेंगे, फिर आपकी वफात भी होगी। एक कब्र मुबारक की जगह खाली है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ दफन कर दिया जाएगा। यही वजह है कि मदीना ऐसी बस्ती है जिसको हदीस पाक में फरमाया कि मदीना की जमीन मैल और कुचैल को बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए ये ऐसी मुबारक शहर है, ऐसी मुकद्दस जमीन है कि जब दज्जाल आएगा तो चप्पे चप्पे पे ये जाएगा, वरगलाएगा, अपनी शोबदाबाजियों से, अपनी मक्कारियों से, अपने जादूगरों से लोगों के ईमान को लूटने की कोशिश करेगा और लोग इसके दाम में फंस जाएंगे, इसके जाल में फंस जाएंगे, ईमान का सौदा कर बैठेंगे। ये दज्जाल मक्कतुल मुकर्रमा में भी जाएगा और वहाँ पर कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह के मुकर्रर करदा फरिश्ते वहाँ पर तैनात होंगे, वहाँ पर मुतय्यन होंगे, जो मक्का में दाखिला से रोक देंगे। इसी तरह दज्जाल फिर मदीना जाएगा, लेकिन मदीना जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस शहर है, उस मदीना में भी दज्जाल का दाखिला नहीं होगा और दज्जाल को वहाँ से फरिश्ते धुतकार देंगे। मैंने बताया मदीनतुल मुनव्वरा की उस जमीन पर मुनाफिकीन बसते होंगे, मुनाफिकीन मक्कार लोग, गद्दार लोग, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने वाले लोग। इसलिए आखिरी ज़माने में ऐसा होगा, मदीनतुल मुनव्वरा की उस बस्ती में तीन मर्तबा जलजला आएगा और जब जलजला आएगा तो लोग मदीना छोड़कर भाग जाएंगे। तकरीबन 70,000 लोग मदीनतुल मुनव्वरा की बस्ती से निकल कर जाएंगे। ये वो लोग होंगे जिसको हदीस पाक में फरमाया कि मदीनतुल मुनव्वरा की बस्ती मैल और कुचैल को निकाल कर बाहर फेंक देता है। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह मदीनतुल मुनव्वरा की बस्ती से मुनाफिकीन का सफाया कर देंगे। अब आप सोचिए, मदीनतुल मुनव्वरा की बस्ती से जो इतना बाबरकत और पाकीदा शहर है, जहाँ पर हर वक्त जो है अल्लाह की रहमतें और अनवारात का नुजूल होता रहता है, इस मुकद्दस बस्ती से जब 70,000 लोग निकलेंगे तो वसई से कितने निकलेंगे, महाराष्ट्र से कितने निकलेंगे, अपने ईमान का जायज़ा लीजिए। इसलिए जो मुबारक शहर है यहाँ पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, इसलिए आपका अदब है कि यहाँ के किसी अरबी को और यहाँ के किसी सामान को आदमी बुरा भला ना कहे, आदमी बुरा भला ना कहे। यहाँ की मिट्टी में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। हमारे अकाबरीन उलमाए देवबंद वहाँ की मिट्टी को अपने सुर में दाने में डाल लिया करते थे। बहुत सारे लोग जिनको घुटने का दर्द है, कैंसर और बर्श की बीमारियों में मुब्तला है, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शहर की मिट्टी में अल्लाह ने शिफा रखी है। बहुत से हजरात ऐसे वाकयात लिखे हुए हैं कि बर्श की बीमारी में मुब्तला थे, कोढ़ की बीमारी में मुब्तला थे, पानी के अंदर मदीनतुल मुनव्वरा की मिट्टी को डालकर उनके बदन पर जब छिड़का गया तो बिल्कुल शिफा पा गए। अल्लाह ने उस मदीनतुल मुनव्वरा की बस्ती में शिफा भी रखी है। इसलिए आदब व एहतराम के साथ वहाँ हम जाते हैं तो फोटो खींचते हैं, मोबाइल हर वक्त हमारे हाथ में रहता है, शांति से वक़ार के साथ, और जब सलात व सलाम पेश करें, सलात पढ़ें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो आदब के साथ, ज़्यादा चिल्ला करके नहीं, एतदाल की आवाज़ में आ
आका पर सलातो सलाम पेश करें, उसके बाजू में सैयदना अबू बकर सिद्दीक, दाई तरफ आप हट जाइए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु है आप पर सलाम पढ़िए, फिर सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अनु है आप पर सलाम पढ़िए, फिर जो है जब ये हो जाए फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े अक़दस पर आकर सलातो सलाम पढ़े, एतदाल के साथ अपने लिए दरख्वास्त करे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कुरान पाक की एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जब कोई आदमी अपने ऊपर जुल्म कर लेता और गुनाहों की दलदल में फंस जाता था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया रसूल अगर आप इनकी सिफारिश करें और ये खुद भी इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं, इसलिए रौज़े अक़दस पर जब हाजिरी हो तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करें या रसूल अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं, हम कितना अपने जिस्मों पर हमने गुनाह लाद दिए हैं, हमारी ज़िंदगी यूँ ही मनमानी गुजर रही है, आप अल्लाह के हुजूर सिफारिश कर दीजिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त करें। इसलिए ये जो दौर है मदीनतुल मुनव्वरा की जो सरजमीन है और मक्कतुल मुकर्रमा की जो सरजमीन है, यहूदियों की बराबर साजिशें होती रही हैं और इनकी साजिश है कि इसको जो है ख़त्म कर दिया जाए, इस्लाम के इन मराकज़ को मुनहदिम कर दिया जाए, और इनकी कोशिशें इससे पहले भी हुई हैं। चुनांचे तकरीबन 1600 ऐसी कुछ ईस्वी का वाकया है, 1161 या 16 थोड़ा सा बोल रहा हूँ, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है, मदीनतुल मुनव्वरा ये दिमश्क में है, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ये दिमश्क में है, वहाँ पर ख्वाब देखते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से कहा, इशारा करके कि ये लोग मुझको सता रहे हैं, ये लोग मुझको सता रहे हैं, इनसे मेरी हिफाजत करो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह वो मुजाहिद हैं जो दिन में जिहाद करते थे और रातों को मुसल्ले पे रात गुजरती थी, तहज्जुद पढ़कर थोड़ी देर आराम कर लिया करते थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ख्वाब देखा तो बेचैन हो गए। उस वक्त दिमश्क से मदीनतुल मुनव्वरा तकरीबन 20-25 दिन लगता था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ख्वाब देखते हैं तो समझ गए कोई आफत है, कोई मुसीबत है और कोई बदबख्त है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दे रहा है, इसलिए फौरन अपने उज़रा को ले करके मदीनतुल मुनव्वरा रवाना हो गए और बड़ी तेज़ी के साथ गए हैं। जो दिन 20-25 लगता था 16 ही दिन में मदीनतुल मुनव्वरा पहुँच गए हैं और मदीनतुल मुनव्वरा पहुँच कर सारे दरवाज़ों को बंद करा दिया, हर रास्ते पे पहरे बिठा दिए ताकि कोई आदमी मक्का मदीनतुल मुनव्वरा की ज़मीन से बाहर ना निकल पाए, और फिर दावत की पूरे मदीनतुल मुनव्वरा की, सब लोगों ने दावत खाया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मालूम किया कि क्या कोई और भी रह गया है, इसलिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में जिन शक्लों को दिखाया था कि ये लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं वो शक्ल नज़र नहीं आ रहे थे, तो मालूम हुआ तो मदीना की बस्ती वालों ने कहा कि दो आदमी ऐसे हैं जो हरदम जुब्बे कुब्बे में रहते हैं, रात दिन अल्लाह की इबादत करते हैं, वो अल्लाह के वली हैं, वो कहीं दावत वगैरह खाने नहीं जाते। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मालूम किया वो हैं कहाँ, बताया गया रौज़े अक़दस के करीब एक रूम में वो लोग किराए पे लेकर रह रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा उनको हाजिर किया जाए। जब वो दोनों आए तो फौरन जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत दिखाई थी इनके दिमाग में फौरन आ गई, लेकिन कार्रवाई करने से पहले तफ्तीश ज़रूरी थी कि जो आदमी जुब्बे कुब्बे में नज़र आ रहा है ऐसा पाक दामन होलिया है वो इतना घनावनी हरकत कैसे कर सकता है, इसलिए तफ्तीश की और उनको कहा तुम लोग कहाँ रहते हो, बताया गया तो उनसे कहा तुम यहीं ठहरो,
मैं तुम्हारे रूम पे जाता हूँ। जब इनके रूम पे गए और फर्श वगैरह को ठोक ठाक कर बजा के देखा तो एक जगह चटाई बिछी हुई थी, वो थोड़ा सा हरकत हुई। जब उसको खोलते हैं तो देखते हैं एक सुरंग है, और सुरंग खोदते खोदते हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मज़ार मुबारक है वहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक कि किताबों में लिखा है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के कदम मुबारक दिखने लगे थे। अभी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जब ये मंजर देखा तो आपे से बाहर हो गए, फौरन जो है तलवार निकाली और उन पहले उनसे पूछा तुम कहाँ से आए हो। इन दोनों ने कहा हम नसरानी हैं। बाद रिवायत में ये दोनों यहूदी थे और इनका मिशन था कि सुरंग खोद कर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद आतार को हम यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन नाकाम हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने तलवार निकाली और दोनों की गर्दन को वहीं उड़ा दिया। ये इनका मिशन था। उसके बाद मदीनतुल मुनव्वरा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद है, रौज़े अक़दस है, उसके चारों तरफ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने खुदवाई करवाई, और खुदाई करा करके यहाँ तक कि ज़मीन से पानी निकलने लगा, और फिर चारों तरफ से शीशा पिघली हुई दीवार तामीर की जो आज भी है रौज़े अक़दस के चारों तरफ। उस सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की शीशे की पिघलाई हुई दीवार अब भी मौजूद है। इसलिए मदीना वाले भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अदब व एहतराम से लिया करते हैं। ये वो मुकद्दस बस्ती है, इसलिए यहाँ जाने से पहले आदमी अपने आप को पाक साफ कर ले और तोहफे में दरुद शरीफ का नजराना लेके जाए। देखो आदमी कितना ही दूर हो, आदमी कितना ही दूर हो, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल हैं, हजरत मुआज़ बिन जबल सवारी पर हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहतें की, लेकिन उसमें एक बात ये भी कही कि मुआज़ ये आखिरी दिन है, ये आखिरी है, अब इसके बाद मुलाकात नहीं होगी, अब इसके बाद सिर्फ तुम मेरी कब्र पर हाजिर होगे, इस दुनिया में मैं नहीं रहूँगा। एक तो मदीना से जुदाई हो रही है, ऊपर से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, सहाबा रोने लगे, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु भी बेचैन हो गए। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी, भले ही तुम यमन जा रहे हो, दूर रहोगे, लेकिन जो आदमी तकवा इख्तियार करेगा और जो आदमी कसरत से मुझ पर दरुद शरीफ पढ़ेगा, मेरी सुन्नतों की इत्तेबा करेगा, गोया वो मेरे करीब है। इसलिए कोशिश करना चाहिए, दौर बहुत पुरफितन दौर है। मैं बार बार कहता हूँ, समझो 5 मिनट 24 घंटे में निकाल कर सोचो ये कितना ख़तरनाक दौर है, और दिल पर रूहानियत पर कितनी मेहनत की ज़रूरत है। आदमी हक और बातिल को परख नहीं सकता, परखने का सही तरीका यही है कि दिलों को साफ कर लिया जाए। जब दिल साफ और रोशन हो जाएगा, खुद अल्लाह तबारक व तआला हमें हालात की इत्तला दे देंगे। इसलिए फरमाया इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन के फिरासत से बचो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब इस पे भी वाक़यात है, लेकिन वक्त हो गया है, इसलिए मेरे भाई ये कोशिश करो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा अपनी ज़िंदगी में आ जाए। कसरत से हम दरुद शरीफ पढ़ने वाले हो जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कि जिस बस्ती के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए दुआ मांगी है बरकत की, मैं मदीना के लिए दुआ मांग रहा हूँ, और वो भी दुगनी दुआ मांग रहा हूँ। आप मक्का और मदीना की बस्तियाँ देखें, बातें बहुत सारी हैं, बस अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम के दिलों में इश्क रसूल अल्लाह तबारक व ताला पैदा फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।